चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 50 एम ऑफ नाइट्रोजन है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है और प्रेशर 736 थर्टी ऑफ एच है हमें यह पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं सेम प्रेशर पे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और दो मिनट का टाइम लीजिए चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा पहले तो हमें क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये पूरा प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है तो यहां पे हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अब चार्ल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें इनिशियल कंडीशन के v1 और t1 चाहिए और फाइनल कंडीशन के v2 और t2 चाहिए तो v1 हमारा 50 ml है t1 हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है v2 हमें निकालना है और t2 हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है तो क्या यहाँ पे हम v1 by t1 और v2 by t2 डायरेक्टली लगा देंगे नहीं हमें पहले टेम्परेचर्स को कैलविन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको चार्ल्स लॉ याद है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर इन कैलविन से जब भी हम कभी भी टेम्परेचर रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे हम हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यही उसका ऐसा SI यूनिट है तो अगर मैं इन टेम्परेचर को कैल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं यहां पे T1 हमारा 298 नाइन है टी टू हमारा थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री है इसपे हम चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू जिससे हमें पता चलेगा कि ये वॉल्यूम हमारा फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन एम एल हो जाएगा